नमस्कार, आपको हार्दिक भाव में अभिनंदन जनाऊँ एसबीपी के स्टडी सेंटर को। आज आम ए भिडियो आलोचना करवा ओएसयू ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम ओडिया स्नातकोत्तर प्रथम सेमिस्टर परीक्षा उपयोगी केते गुड़िया प्रश्न उत्तर आलोचना करवा एमए ओडी फोर ब्लॉक वन रु। जदि आपण मैंने पूर्व भिडियो गुड़िक देखी ना तो आम चेल प्लेलीस्ट जा देखिपर चलतु आज प्रश्न आरंभ करवा। अलंकार शास्त्र में कतोटी मतवाद रही है, सेगुड़ी कौन कौन? छोटी मतवाद रसवाद, रीतिवाद, ध्वनिवाद, अलंकारवाद, औचित्यवाद और वक्रोक्तिवाद। रस संबंध में प्रथम विवेचना क्योंकि देखा मिले भरत नाट्यशास्त्र में। प्रथम रसाचार्य भाव क्या ग्रहण कराए? भरत। रस शब्द किपर निष्पन्न हो यार अर्थ कौन? रस धातु अच प्रत्यय जुगे रस शब्दर सृष्टि निष्पन्न और यार अर्थ आस्वादन। भरत रसर परिभाषा कौन दे? विवाहानुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी संज्ञाजात निष्पत्ति। स्थायी भाव किपर क्योंटी थाए? आत्मसह बासना रूपे सन्निविष्ट हो मनर अवचेतन स्तर में संजीवित थाए। स्थायी भाव किपर रस रूप ग्रहण करे? विभाव अनुभाव संस्पर्शे आसिले। अनुभाव केते प्रकार? पांच प्रकार, काविक, मानसिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक। सात्विक अनुभाव संख्या केते एवं सेगुड़िक कौन कौन? स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। नायिका अनुभव केते प्रकार? अठाईस। संचारी भाव व्यभिचारी भाव कौन? जो भाव सर्वदा संचरणशील ताहा संचारी भाव। भरत तांको नाट्यशास्त्र रस केते प्रकार बोली कहते? आठ प्रकार। नवम रस टी कौन ताहु किए चिन्हट करते? शांत रस, रुद्रट, आनंदवर्ण, वर्धन, अभिनव एवं जगन्नाथ। दशम रसटी कौन एवं ताहु किए चिन्हट करते? बासल्य रस, विश्वनाथ कविराज। एकादश रसटी कौन एवं ताहु किए चिन्हट करते? भक्ति रस, गौड़ीय संप्रदायर आचार्यगण विशेषकर रूप गोस्वामी। विश्वनाथ कविराज मतरे संचारी भाव व्यभिचारी भाव के संख्या केते? तेतीस। श्रृंगार रस व्यतिरेक काव्य रस शून्य होता है किए कहते? भोजराज। उज्जवल रस क्यों रस को बुझा जाए? श्रृंगार रस। भरत नायक दृष्टिभंगी अनुजाई श्रृंगार को केते भागर विभक्त करिसेंति कौन कौन? तीन भागरे धर्म, अर्थ, काम। भरत नायक नायिका संपर्क अनुजाई श्रृंगार रस को केते भागर विभक्त करिसेंति कौन कौन? दुई भाग, संभोग और विप्रलम्भ। विप्रलम्भ श्रृंगार केते प्रकार ताहा सब कौन कौन? चार प्रकार, पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण। नायक नायिका अनेक दूर अग्रसर होते हैं कौन सी कारण मिलन हो न पारे से अवस्था कौन कहुए? पूर्व राग विप्रलम्भ। देशांतर अन्य कौन सी कारणवशत नायक नायिका मध्य जो विरह सृष्टि हुए ताकि कौन कहुए? प्रवास विप्रलम्भ। नायक नायिका मध्य कहीं मृत्युवरण कर पुनर्वा से ही जन्म से मिलन होगा पूर्व जो जनक जीवित था दारुण दुख व विरह अनुभव करें कौन कहुए? करुण विप्रलम्भ। हास्यरस केते प्रकार कौन कौन? दुई प्रकार, आत्मस्थ और परस्थ। रसवाद कहीं सृष्टि है भरत रस सूत्रर संयोग निष्पत्ति शब्द को नहीं आचार्य मैंने मानक मध्य मतभेद सृष्टि होवर ता रसवाद सृष्टि है किए साहित्य को शास्त्र मर्यादा दे राजशेखर पंचमी साहित्य विद्या लेखी। ज्ञानर चारोटी प्रतीति कौन? सत्यमिथ्या, सादृश्य, संशय। चित्र तुरग न्याय किए क्यों रसवाद उल्लेख करते? श्री शंकुक अनुमिति बादरे। क्यों रसवाद अधिक जौक्तिक और वास्तव? अभिव्यक्तिवाद। अलंकार शास्त्र साहित्य दर्पण केवे रचना होता अनुमान करतोटी परिच्छेद विशिष्ट? पंचदश शतक यह दस टी परिच्छेद विशिष्ट। रीति शब्द किपर निष्पन्न हो यार अर्थ कौन? रिंग धातु तीन प्रत्यय जुगे रीति शब्द सृष्टि और यार अर्थ ढंग शैली प्रणाली पद्धति गति मार्ग व पंथा। बामन आलोचन रीति केत प्रकार ता कौन कौन? तीन प्रकार, वैधर्वी, गोड़ी और पांचाली। बामन क्या श्रेष्ठ रीति कहते? वैधर्वी। रीति को रसर उपकारक भाव किए ग्रहण करते? विश्वनाथ कविराज। रुद्रट क्यों रीति को स्वीकार करे रीति संख्या चार को वृद्धि करते? लाठी। भोज क्यों दुईट नूतन रीति उद्भावन कर रीति संख्या को छ वृद्धि करते? अवंतिका, मागधी। वैधर्वी रीति क्या कहुए? माधुर्य, गुण, व्यंजक, वर्ण मान द्वारा कोमल रचना साहसहीन व अल्प समाजुक्त रचना को। वैधर्वी रीति के क्यों गुण परिप्रकाश घटे? माधुर्य गुण। ममट विश्वनाथ बामन दोष विधि गुण और अर्थगुण को स्वीकार नक क्यों तीन गुण ग्रहण कर माधुर्य ओझ प्रसाद।
ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଚିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଆହ୍ଲାଦକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କମ୍ ଓ ବେଶୀ କେଉଁଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ସମ୍ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରୁଣ ଏବଂ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ବୈଦର୍ଭ ରୀତି କେଉଁ ରସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ଶାନ୍ତ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୁହନ୍ତି? ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଅଣଟଣ୍ଟ, ଅଣଠଣ୍ଟ, ଅଣଟଣ୍ଟ, ଅଣଢଣ୍ଡ। ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ପାଞ୍ଚାଲି ରୀତି। ପାଞ୍ଚାଲି ରୀତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଓ ପାଞ୍ଚାଲି ରୀତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ଲାଠି ରୀତି। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଓ ପାଞ୍ଚାଲି ରୀତି ଯେଉଁଠାରେ ମିଶ୍ର ଭାବେ ରହିବେ ସେଇଠି କେଉଁ ରୀତି ହୁଏ? ଲାଠି ରୀତି। ମଧ୍ୟମ ସମାଜଯୁକ୍ତ ରଚନା ଲାଠି ରୀତି ପଦବାଚ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ରୁଦ୍ରଟ। ଲାଠି ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ରସରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରୁଦ୍ରଟ କହିଛନ୍ତି? ଉଗ୍ର ରସ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବାମନ। ଭୋଜଙ୍କ ମତରେ ଆବନ୍ତିକ ରୀତି କେଉଁ ଦୁଇଟି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ? ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଲି। ଭୋଜଙ୍କ ମତରେ କେଉଁଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଖଣ୍ଡ ରୀତି? ମାଗଧୀ। କିଏ ବୈଦର୍ଭୀକୁ ଉପନାଗରିକା, ଗୋଟିକୁ ପୁରୁଷା, ପାଞ୍ଚାଲିକୁ କମଳାବୃତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ମମଟ। ରୀତିକୁ କବିକର୍ମବିଧ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କୁନ୍ତକ। ରୀତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଭାମ ଓ ଦଣ୍ଡୀ। ରୀତିକୁ ମାର୍ଗ ଓ ପନ୍ଥା ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭୋଜ। ରୀତିକୁ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ କ୍ରମ ରୂପେ କିଏ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଶାରଦା, ତନୟ, ରାଜଶେଖର। ରୀତିକୁ ରସର ଉପକାର କିଏ ଶୈଳୀ ରୂପେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। କିଏ ରୀତିକୁ ମାର୍ଗ କହି ଏହା କବି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୁନ୍ତକ। ବାମନ ମତରେ ରୀତି କେତେବେଳେ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗୁଣ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ ରହିବ। ଗୁଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଭରତ ମୁନି ଗୁଣର 10 ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଶ୍ଳେଷ, ପ୍ରାସାଦ, ସମତା, ସମାଧି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜଃ, ପଦ, ସୁକୁମାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦାରତା ଓ କାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ଭରତଙ୍କ 10 ଗୁଣକୁ ଶବ୍ଦଗୁଣ, ଅର୍ଥଗୁଣ ଭାବେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଶବ୍ଦଗୁଣ 10 ଓ ଅର୍ଥଗୁଣ 10। ଭୋଜରାଜ ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? 24। କିଏ 24 ଶବ୍ଦ ଗୁଣକୁ ବାହ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଗୁଣକୁ ଅନ୍ତଃ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜରାଜ। କୁନ୍ତକ କବି ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ 3 କାବ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ? ସୁକୁମାର, ବିଚିତ୍ର, ମାଧ୍ୟମ। ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ମତରେ ଓଜ ଗୁଣ କ'ଣ? ସମାଜ ବହୁଳ ରଚନା ଓଜ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାସାଦ କ'ଣ? ପ୍ରାସାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ବିକଶିତ ହେବା। ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବୋଲି ଆଲଙ୍କାରିକମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? 3। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜଃ, ପ୍ରସାଦ।